तो मैं और दादा आए हैं बुलेट को वॉश कराने के लिए, क्योंकि टूरिंग करने के बाद हम लोगों ने वॉश नहीं किया था और बुलेट बहुत गंदी हो चुकी थी और बहुत सारे बोलते ना धूल मिट्टी और पार्टिकल्स पूरे चिपक गए थे टायर्स में और बुलेट के टैंक पे। तो वॉश कराना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर वो ज़्यादा सूख जाएंगे तो वो स्क्रैचेस दे सकते हैं और बुलेट का जो पतरा रहता है वो डैमेज कर सकते हैं। तो राइट टाइम पे वॉश करना बहुत ज़रूरी है और मैं डीजल वॉश करा रहा हूँ क्योंकि डीजल वॉश करने की वजह से एक लेयर आ जाता है पूरे बॉडी पे और बहुत सारे जैसे सनलाइट हुआ, धूल मिट्टी हुआ, उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो देखो कैसे वॉश हो रहा है। बहुत पहले मैंने स्टैंडर्ड बुलेट जब मेरे पास थी तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, फिर आपको देखना है वॉश का तो मैं आई बटन पर डेफिनेटली दे दूँगा, तो देखना। चेन को टायर को अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी और डर्ट आई रहती है। वेरी कंफर्टेबल रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 500 को मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करता था, लेकिन क्या सेक्सी बुलेट है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया और वेरी कंफर्टेबल। मैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर में दादा 600 किलोमीटर हम जाके कंटिन्यू नहीं चलाया मैं, लेकिन फिर भी 600 किलोमीटर चलाया मैंने, लेकिन नो बैक पेन, नो हैंड पेन, नो शोल्डर पेन, नथिंग। तो वेरी कंफर्टेबल बुलेट है ये और उसका जो राइडिंग पोजिशन है वो सबसे बेस्ट है।
What a sexy color. तो बुलेट रेडी है नेक्स्ट राइड के लिए. चमक रही है ना, चमकनी ही चाहिए भाई साहब. गाड़ी रेडी है, चकाचक हो गई है. तो फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है, वॉश करके हो गई है और नेक्स्ट राइड के लिए रेडी भी हो गई है. तो देखते हैं अभी कहाँ पे मूड बन रहा है.